आए थे, लेकिन एक चाचा जी अब मुझे अजीब से मिले और उनकी बातें भी अजीब सी हैं। पता नहीं एक मिनट तो मुझे अंग्रेजी पश्तो है, अंग्रेजी है जी जी, अंग्रेजी पश्तो है ना, बहुत बहुत बड़ी बोली है अंग्रेजी और पश्तो, बड़ी बोली है आप ये कह रहे हैं। औखी औखी बोली है ना। अच्छा मुश्किल बोली है। हां मुश्किल है ना बोली। इंदा गाने दी लाइन आले दा मतबल कोई कह नहीं, जेंदी लय कुराड़ी है और सरूर है वो ठीक है, आधे पे ना उर्दू बोल दे दिखा। अच्छा ई में लोग चाहिए वदन पर रू क्या पता कुछ है तो भावे कि हां से आधे पे वेंदे पे फड़े जो बंदे को दिखा जो रंग बाजी बनाई क्या पता पर रू कुछ है। मोबाइल पे नाराज हो रहे हैं मोबाइल पे। अच्छा मोबाइल पे आपको गुस्सा आ रहा है? ना ना गुस्सा नहीं, तो आज तक काम कार है ना। अच्छा चले हमारा तो काम कार है। असा लोग चाहिए वदे। अच्छा जो दिखा ना बंदे को कान ना लाए पर रू क्या पता कोई हाल हवाल वाला है जानी, हां से आधे पे वेंदे पे। बोतल पीती। अच्छा एक गाल तो जे समझ च कहना सी जे ही गाल मैं करे सा उन्हा पिलाए खीर सोडा ए नी पीना चाहिए था और मैं पीते। अच्छा तो मैं तू हाथ ले दे दे ते पांच काम बन के दे नहीं किस के नीचे दे कैसे बोतल पी है बोतल के बाद जी बोतल दे वेच होने ना खीर दूध होता है। हां दूध वाली बोतल पी है के क्या? अच्छा ये खै खारी को पीना ना घर पीने का ही क्या मुझे समझ नहीं आई मुझे बस वाली चीज है ना आपको सच्चा नहीं थोड़ा सा आप कोशिश तो करें मुझे समझ आ जाएगी। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा अकरम है। अकरम है जी जी। अच्छा अच्छा तो फिर आप कहाँ पर होते हैं? छाई गांठ है। अच्छा तो ये फिर आपकी बीवी है मिसेज है आपकी मिसेज घर वाली है? जी जी है सही तो घिन नहीं सकते रास्ता बंद है। क्यों वजह? समलंग लोग हैं है तो अनपढ़ पढ़ाई की जरूरत सब बहु है। अच्छा ते असा है मलंग लोग ते वो औरत बिल्हा दीती ने तो वो सा घेर नहीं सकती औरत असा गिद्धी जे है बंदा जिम्मेवार पोसी खुदा ना खास असा मियों बीबी हैं लड़ पूं बीवी हैं असा लड़ पूं वो बंदा टुटका चाद साढ़े सिर पर आए सी बहाना बानवे सी तुझे नाल मैं घिना दीती ते लड़े जो मैं मेरे तो चंपट गिन से असा औरत नहीं गिन। तो अबू जी एक्सीडेंट हुआ है असल में, एक्सीडेंट के बाद चाचा जी को थोड़ा सा मसला हो गया है और उसके अलावा इनके बाजू भी टूट गए हैं, अब यहाँ पे हड्डी नहीं है बीच में और टांग में भी यहाँ पे मांस है यहाँ पे हड्डी नहीं है बीच में, और वो बात तो अभी तक मुझे समझ ही नहीं आई कि कैसे दूध की बोतल पी थी और कैसे ये मतलब कि एक्सीडेंट हुआ वो वाली बात मुझे समझ नहीं आई। खैर तो कहते हैं कि बेगम मेरी है। चाचा जी बच्चा है आपका कोई बच्चा? भाई बच्चा नहीं खड़ा है। अच्छा एक बच्चा भी है माशाल्लाह, एक बच्चा भी है इनका और इनकी बेगम भी है। बेगम एक्सीडेंट के बाद नाराज होकर चली गई है, वापस कोई नहीं है। कहते कि अगर अब मैं उन्हें लेकर आऊं बेगम को तो जो जमानत देगा ना अगर हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो फिर आके फिर हमें मतलब मेरा चंपट खाल उतार लेगा। ठीक है अच्छा खाल उतार दे सी ए हुन एक्सीडेंट या पैदा जाऊं की कावर नहीं पिला। अच्छा मेरा एक्स मेरी ये हालत हो गई लेकिन अभी तक मेरी बीवी का गुस्सा नहीं गया। नहीं हुई क्यों लड़ाई? हुई क्यों? क्यों लड़ाई हुई थी? क्यों क्यों लड़ाई में है जो वो टैप का मसला है। अच्छा टैप का क्या? टैप एक बंदा क्या सुनता तो एक मलक की कैसेट मंसूर के चाहिए खड़ा मैं ही अपने बच्चे जगह। अच्छा बाबा जी कांप रहे हैं सर्दी की वजह से। जी घर चले आपके क्या क्या बहाना बना दे भी ये बदमाश है ना। बदमाश है नहीं मैं बहाना बना बनू तो तले दे दो बदमाश तो गुणन हाथ से ना पिस्तौल ना बंदूक और हे तो ये सवारी अभी टप टप याद तले आ गए यही है गुलूकारी का मसला। अच्छा में अच्छा अच्छा बारह का आप कह रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट आपकी बेगम ने करवाया है बस कहीं करो आज कहीं।
बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। सस्सी। अच्छा माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है, अल्लाह ताला इसके नसीब। बच्चा अपनी मामा किधर गई है? रूट गई। रूट गई? ओहो किससे रूट गई है? पापा से। क्यों? पता नहीं। जैसा कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ और वो छोड़ के चली गई। अच्छा पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो माँ छोड़ के चली गई है। ये देखें बेटा कि ऐसी भी औरतें होती। और ये बच्चा है बेचारा मासूम, अब वो बाप है माँ है जो छोड़ के चली गई है, तो ये बेचारा आप पल रहे दादी के पास। दादी और इसकी एक फूफो है जो इसे संभाला हुआ है जिन्होंने। तो आपका आपका कौन ख्याल रखता है फिर? फूफो। अच्छा इनका फूफो एक्सीडेंट होने के बाद इनका थोड़ा सा दिमागी तवाजुन का भी मसला हो गया, लेकिन इनको अभी तक पता नहीं है। मतलब कि ये कहते हैं कि लोग सारे खराब है। अंग्रेजी गाना चलता पे अंग्रेजी गाना। अब ये देखें अंग्रेजी गानों की बात, तो फिर ये अपनी बात करते हैं। इनको ये कहते हैं नए काठ दे बमबारी बना देती है ओ अंग्रेजी जबान दी भूत बैठा रह के बीच कोई शक है। तो वो अंग्रेजी गानों को बुरा कहते हैं, हिंद पंजाबी गानों को बुरा कहते हैं और उर्दू गानों को बुरा कहते हैं। बुरा कहते कहते उन्हें अच्छा कह जाते हैं, ठीक है ना। और उन्हें मतलब के काफ़ी सारी बातें समझ नहीं आई हैं, तो लेकिन ये कहते हैं कि लोग पागल हैं, मैं ठीक हूँ। झूमर नहीं खेलते झूमर। हाँ हाँ ये सुल्तान रे तू झूमर वाला खा। अच्छा अच्छा क्या कैसे सुल्तान रे तू झूमर वाला खा के जो है झूमर मरंदे तोल दे दहशत करते। ये देखिए मैं कह रही थी कि ना कि वो लोगों को कहते हैं कि अच्छा काफ़ी सारे लोगों को कहते हैं कि वो पागल है, मतलब कि वो भी पागल है। गुलकार भी पागल होते हैं, इंग्लिश गानों वाले पागल होते हैं, पंजाबी गानों वाले पागल होते हैं। तो चाचा जी देखिए बैठे हुए कहाँ, इतनी शदीद सर्दी है। अबू जी यकीन कीजिए कि मेरा जिस्म कांप रहा है, लेकिन चाचा जी बाहर इन्होंने गद्दा बिछाया हुआ है। और अच्छा तो चाचा जी आप अंदर क्यों नहीं बैठे? बस रूह नहीं लगता, बस बैठा रहे ना। दिल नहीं लगता अंदर? रूह नहीं लगता, रूह खत्म। लेकिन ये देखिए कि इतनी शदीद सर्दी है, बंदा यहाँ पे कांप रहा है। तो आप अगर अंदर बैठ जाएंगे तो ये है सर्दी तो नहीं लगेगी ना। ठीक है बस बैठा बोलते हैं। कभी बैठ जाएंगे अंदर? ना सुन। अच्छा मैं कि चंगे भले को गाना सुने सा सखावत अली दा खानदान होवे। अच्छा फते खान दा ना नवल काल धमाका पोवे पत्ता त लगे ना। हां हा। बालन दे सामने चक्कर दे बा तो मैं भी अच्छा गंदा लगदा। हां हां सही है। यानी कि आप बड़े गुलूकार हैं। गुलूकार नहीं कख ते तले पहाड़ है। अच्छा। सारी सी हिंदी गा। तो अबू जी कुछ अर्सा पहले हम लोग इनके घर में आए थे जहाँ पर के इनके वालिद मौजूद नहीं थे। उस दिन दादी अम्मा और इन पोते से मिले थे, इनको ये दादी अम्मा पाल रही हैं। आज दोबारा से इनके सपोर्ट के लिए आए थे क्योंकि इसकी पुप्पो है जो काम करती है, इन्होंने कहा था कि हमें सिलाई मशीन की ज़रूरत है, वही लेकर देने आए थे हम लोग इन्हें। तो हमें आज इनके वालिद मिले हैं, तो हमें मुझे तो अबू जी समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे भी हालात होते हैं कि मतलब कि जितनी भी अबू जी इंसान को दुश्मनी हो जाए। खैर आपका अपना बच्चा था, उस बच्चे को मुंह को ही इंसान देख लेता है। तो ये तो खुदा तआला की जात जाती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने कराया, लेकिन उनका कहना है कि भाई मुझे रात को एक दूध वाली बोतल पिलाई गई, उसमें शायद कुछ मिलाया गया था, फिर मैं जा रहा था मुझे पता ही नहीं चला, मेरा फिर एक्सीडेंट होता है। फिर स्कूटर वाला आके जिस जगह पे मारा है वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उसके आने की, जहाँ पे मुझे मारा गया, तो उसके बाद हड्डियाँ सारी टूट। ये बच्चा है मासूम सा, इसकी फूफो है ये जो इसकी आप क्या लगते हैं फूफो लगती है। तो अब ये फूफो ही इनको सपोर्ट कर रही है। तो इन्होंने कहा था कि हम मैं फसलें वगैरह चुन आती हूँ, तो जो फसलों का सीज़न जैसे आजकल ख़त्म हो गया है तो कोई भी काम नहीं है, तो कपड़े सी लेती हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे मशीन ला दें ताकि मैं मतलब कि कुछ ना कुछ घर में कर सकूँ, इस बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ। तो ये अम्मा जी हम आपके लिए ये मशीन आज लेकर आ गए हैं, देखिए बिल्कुल अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बस इसे कबूल फरमा लें। कबूल है बिल्कुल कबूल है, मेहरबानी आप मेहरबानी। चलो रोजी करे सा मैं बच्चे को पले सा। जी जी बस यही है ना, कहीं वाले रोजी बाहर दी होंगी है कहीं वाले नहीं होंगी, सही मैं वाले ए रोजी कर रही। अच्छी बात है ना, कह रही की बाहर की रोजी कहा लगी है ना दिमाग दी। अच्छा अच्छा वाली नहीं गाली करेंगे।
अच्छा उसको दिमाग का मसला इसलिए मतलब कि एक्सीडेंट खुद ही हो गया था, किसी खुद, ने कराया खुद अपने आप ना, कहीं नहीं कराया सड़क, कोई भी दुश्मन नहीं, कहीं नहीं कराया, वेंदा मजदूरी दे पिया काम दे वेंदा पिया ये ट्राली को पता कह नहीं लगा पिछू आ दे दी सी को सेट तले आ वो उतू ही पिया टपई गया ओ खून नहीं जरे वेले साई को वन चाहते ही में लोड लोड वाल अस्पताल चागे से जेर वेले बेड दे सुमाए से तल्ले इतना कोनी को होश कहना है। अच्छा बेहोश जो थे ना वाली जेर वेले को होश वल्ले ते वाली जेर वेले आंख खोलिए ते वाली में गाली करें दा कि मैं कहां आया कि ओ सही है। जब बेहोशी के बाद क्योंकि दिमाग पे चोट लगी थी तो खून भी काफी सारा बह गया था, उसके बाद अचानक से ऐसी, पहले तो बिल्कुल ठीक थे ना, अचानक से ऐसी बातें करनी शुरू कर दिया, उसके बाद फिर उसके बाद ही बेगम छोड़ के गई है। जी जी उनके बाद छोड़ के, पहले बेगम थी उसके बाद फिर बेगम भी छोड़ के गई थी, उसने इसकी अम्मी छोड़ के चली गई, उसने आगे दूसरी शादी कर ली, उसके उधर से शायद बच्चे भी हैं, तो ये फिर इसको फूफा पाल रही है और बाप की ये कंडीशन है। अब नमाज भी पढ़ा करे ठीक है ना, इस बच्चे को भी पढ़ाया करे ठीक है बेटा, नमाज पढ़ा करो, स्कूल भी पढ़ना है आपने ठीक है, तो ये लो बेटा अच्छी 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 चीज ले आना ठीक है ना, और फिर मैं आपके पास फिर भी आऊंगी ठीक है ना, और अच्छा अच्छा पढ़ना है ठीक है।